इंसान और जानवर के बीच का बॉन्ड एक खूबसूरत पहलू है जिसके बारे में अक्सर कम ही बातें की जाती हैं। ये सच है कि इंसान द्वारा जानवरों पर अत्याचार की कई घटनाएं हमारे सामने आती हैं, लेकिन ये भी सच है कि कई बार इंसान जानवरों की मदद करते नजर आए हैं। वो कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, ठीक उसी तरह इंसान और जानवर के रिश्ते से जुड़ी सभी घटनाएं खराब नहीं होती। कई बार इंसान जानवरों को अलग तरह से प्यार जताते हुए नजर आते हैं। कभी कभार ये प्यार सांप जैसे जानवरों के लिए भी होता है जो इंसान पर पलटवार कर देते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी ही घटनाओं को लेकर आए हैं जहां इंसान जानवरों को मुसीबत से बचाते नजर आ रहे हैं और ये घटनाएं कैमरे में कैद हो गई। बीबीसी से लेकर एक सी लायन को बचाने तक की ये सभी घटनाएं आपके दिल को छू जाएंगी और आपको यकीन हो जाएगा कि इंसान इतने भी बुरे नहीं होते। बेबी डियर रेस्क्यू। जहां आए दिन इंटरनेट पर जानवरों के प्रति क्रूरता की कई वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं, वहीं हमारी लिस्ट में मौजूद पहली वीडियो जानवरों के लिए प्यार की सभी हदें पार करती हुई नजर आती है। और खुशी इस बात की है कि ये वीडियो हमारे भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की है, जहां एक हिरण का बच्चा दलदल में फंसने की वजह से मौत के मुंह में जाते जाते बच गया और इसे बचाने का काम किया एक इंसान ने। इंटरनेट पर हाल ही में सामने आई इस वीडियो में एक आदमी बेबी डियर को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर दलदल में कूद पड़ता है। दरअसल ये बेबी डियर कुछ घंटे से नदी के किनारे पानी में पड़ा था और बचने के कई प्रयास करने के बाद भी ऊपर नहीं आ पाता। ऐसे में संजीव नाम के एक स्थानीय आदमी हिरण को बचाने के लिए दलदल में कूद पड़ता है। उसे देखकर हिरण का बच्चा भागने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन संजीव उसे पकड़कर नदी के दूसरे छोर पर ले जाता है। वहां पहुंचने पर वो हिरण को अपने कंधे पर बिठा लेता है और नदी से बाहर आने का प्रयास करता है। इस बीच उसके शरीर का आधा भाग दलदल में होता है, लेकिन वो हिरण को फंसने नहीं देता। काफी देर की जद्दोजहद के बाद संजीव हिरण को दलदल से बाहर निकालने में सफल हो जाता है, लेकिन ये बेबी डियर थकने और डरने की वजह से चलने की स्थिति में नहीं रहता। ऐसे में संजीव उसे सूरज की रोशनी में रखता है और उसके पैरों को मसाज करता है ताकि वो अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाए, लेकिन हिरण के बच्चे की हालत बेहद खराब होती है। ऐसे में संजीव खुद हिरण को जंगल में लेकर जाता है और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद हिरण का बच्चा धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर देता है। इस घटना को देखकर तो यही लगता है कि हमारी प्रजाति में इंसानियत अभी भी बाकी है। आज हमें संजीव जैसे ही लोगों की दुनिया में बेहद जरूरत है जो प्रकृति और जानवर दोनों से बहुत प्यार करें। बेबी सील रेस्क्यूड। हम सभी जानते हैं कि इंसान के आविष्कार भले ही उसके लिए विकास की सीढ़ी हो, लेकिन जानवरों के लिए वो किसी मुसीबत से कम नहीं होती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्लास्टिक और समुद्र में इस्तेमाल होने वाली नेट, जो अक्सर जानवरों के लिए घातक साबित होती हैं। अब जरा इस वीडियो को देखिए जिसमें आपको कई सील्स नजर आ रहे होंगे, लेकिन सील्स के इस झुंड में एक सील ऐसा है जो मछलियों के लिए इस्तेमाल होने वाली फिशिंग नेट में फंसा हुआ है और उससे निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ज्यादातर बेबी सील्स इंसानों को देखकर भाग जाते हैं और खुद को बचाने के लिए हमला करते हैं। वैसे ही ये बेबी सील भी पहले तो बचाव कर्मियों को देखकर भागने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे पकड़कर उसके गले से ये नेट निकाला जाता है तो वो इन पर हमला करने या भागने के बजाय ऐसे पीछे मुड़ के देखता है जैसे कि वो मन ही मन उन्हें थैंक्स बोल रहा हो। दरअसल ये बेबी सील पूरी तरह से कमर्शियल फिशिंग नेट में फंसा हुआ था, जिसका इस्तेमाल मछली पकड़ने वाले जहाज करते हैं और बची हुई नेट ऐसे ही समुद्र में फेंक देते हैं। ये इकलौता बेबी सील नहीं है जो इस नेट में फंसा है, बल्कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि बाकी बेबी सील्स के गले के किनारे भी इस तरह की नेट फंसी हुई है जिसे रेस्क्यू टीम निकालने की कोशिश कर रही है। शुक्र है कि अपने इस अभियान में टीम सफल हो पाई और बेबी सील्स को उस मुसीबत से आजाद कर पाई, वरना भूख और सफोकेशन से उसकी जान भी जा सकती थी। इससे पता चलता है कि फिशिंग नेट्स और प्लास्टिक हमेशा से जानवरों के अस्तित्व के लिए खतरा है, और गाइस इन वस्तुओं का इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए। बेबी डियर रेस्क्यू। अब जरा इस हिरण के बच्चे से मिले जो बेहद क्यूट है पर गलत स्थिति में फंसा हुआ है। ये वीडियो एक जंगल की है जहाँ एक छोटा सा बेबी डियर मुसीबत में फंसा हुआ था और खुद को बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहा था। ये तो किस्मत की बात थी कि वुडलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद थी। इस टीम ने बेबी डियर को बचाया और उसे उसकी माँ के करीब एक ड्राई प्लेस पर रख दिया, लेकिन वीडियो में देख कर ऐसा लगता है कि बेबी डियर की माँ उसे ढूंढने में इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए बेबी डियर खुद चलकर रेस्क्यू टीम के पास आ गया और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। रेस्क्यू टीम जब बेबी डियर को जंगल से लाए तो उसकी हालत खराब थी, वो बेहद कमजोर था और उसमें न्यूट्रिशन की भारी कमी थी।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसका बेहतर तरीके से ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन ये बेबी डियर अकेला था और उसके स्वभाव में अकेलापन को आसानी से देखा जा सकता था। जल्द ही वुडलैंड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक और डियर को लाया गया और दोनों को एक ही साथ प्लेस किया गया, जिससे दोनों बेबी डियर्स के बीच एक अच्छा बॉन्ड बन गया और दोनों ज्यादा से ज्यादा समय साथ में बिताने लगे। कुछ समय बाद कुछ और हिरण को रेस्क्यू करके इसी जगह पर लाया गया। ऐसे में जब सभी डियर्स हेल्दी कंडीशंस में आ गए तो उन्हें जंगल में वापस छोड़ दिया गया ताकि वो अपनी आजादी का लुत्फ उठा सके। इस तरह की घटनाएं हमें बताती हैं कि लोगों में इंसानियत अभी भी बाकी है और हमें अक्सर धरती पर मौजूद बाकी जीवों के प्रति थोड़ा प्यार दिखाना चाहिए, खासकर तब जब बात बेबी एनिमल्स की हो। इंजर्ड सी लायन पप। अब जो घटना आप सुनने वाले हैं उसे देखकर आपके दिल में भी सी लायन पप के लिए प्यार जाग उठेगा। ये घटना 2014 की है, जहां एक सी लायन पप पानी में तैरता हुआ कैलिफोर्निया कोस्ट के पास पहुंचाता है और दो लोगों से मदद मांगने के लिए सीधे नाव पर चढ़ने की कोशिश करता है। पहले तो दोनों बोटमैन को सी पप के ये हाव भाव समझ नहीं आते, लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि ये बेबी नाव पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है और बुरी तरह से जख्मी है। दरअसल इस बेबी सी लायन पर पानी में किसी चीज ने हमला किया था और काफी समय से कुछ नहीं खाने की वजह से ये काफी कमजोर और भूखा था। ऐसे में उसको बचाने के लिए बोटमैन ने उसे नाव पर चढ़ने में मदद की। हालांकि वो जानते थे कि अगर गलती से भी इस बेबी सी लायन ने उन्हें काट लिया तो बैक्टीरिया या किसी बीमारी से उनकी जान जा सकती है, लेकिन सी लायन की ऐसी स्थिति को देखते हुए उन्होंने इस बेबी को नाव पर चढ़ने दिया और उसे आराम करने दिया। बाद में दोनों बोटमैन इस बेबी को पैसिफिक मरीन मैमल सेंटर ले गए, जहां उसका इलाज किया गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात थी कि इस बेबी ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुश्किल की घड़ी में इंसानों पर विश्वास करना सही समझा, जो कि काफी कम देखने को मिलता है। और दोनों बोटमैन की हिम्मत की भी तारीफ देनी होगी, जिन्होंने इनके विश्वास को टूटने नहीं दिया और खुले दिल से उनकी मदद की। डॉल्फिन रेस्क्यू। हम सभी जानते हैं कि डॉल्फिन एक होशियार और सामाजिक जीव है, जो इंसानों के साथ अच्छे संबंध के लिए हमेशा से जानी जाती रही है। शायद यही वजह है कि ये जीव इंसानों से हिचकिचाते नहीं है। अब जरा इस वीडियो को देखें, जिसमें डॉल्फिन समुद्र की गहराई में तैरते डाइवर से मदद मांगती नजर आ रही है। ये वीडियो हवाई आइलैंड की है, जहां डॉल्फिन स्कूबा डाइवर के पास आकर अपने विंग्स फ्लिप करने लगी। गौर से देखने पर डाइवर ने पाया कि डॉल्फिन के विंग्स में फिशिंग लाइन्स फंसी हुई थी, जिसके चलते उसे तैरने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उसकी इस समस्या को सुलझाने के लिए डाइवर ने चाकू की मदद से फिशिंग लाइन को काटने का प्रयास किया, लेकिन पानी के नीचे होने के नाते उसे इस काम में काफी समय लगा। शुक्र है डॉल्फिन ने इस दौरान अपना पेशेंस बनाए रखा और फिशिंग नेट से आजाद होने के बाद डाइवर को धन्यवाद कहकर वहां से चली गई। ऐसी घटनाएं हमें यकीन दिलाती हैं कि जानवरों का अभी भी इंसानों पर विश्वास बरकरार है। लेकिन ये वीडियो एक सीख भी है कि हमें जानवरों का ख्याल रखने के लिए प्लास्टिक और फिशिंग नेट जैसे वस्तुओं को समुद्र में कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ये हमारे मरीन एनिमल्स की विलुप्ति का सबसे बड़ा कारण बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी घटनाएं जहां इंसान जानवरों के लिए मसीहा बनकर उभरे और उनको बचाने के लिए सारी हदें पार कर गए। ये लोग सबक हैं बाकी लोगों के लिए, जो जानवरों को प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और आज इंसान को ये समझना बहुत जरूरी है कि धरती पर बाकी जीवों का अस्तित्व भी उतना ही जरूरी है जितना कि इंसान का। ये धरती जितनी हमारी है उतना ही अधिकार बाकी जीवों का भी है, इसलिए हमें उनकी आज़ादी का सम्मान करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।